हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम एस एडिट। तो गैस कैसे हो आप लोग? बड़े होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। गैस तो तुम्हारे भाई फिर से लेके गैस एक न्यू ट्रेंडिंग स्टेटस एडिटिंग जो बहुत ही ज़्यादा अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है। एक सॉन्ग जो गैस इसमें हिंदी सॉन्ग भी है और राजस्थान भी सॉन्ग है, दोनों मिक्स सॉन्ग है और बहुत ही शानदार स्टेटस होने वाला गैस आज का। तो सबसे पहले गैस आपको स्टेटस दिखा देते, गैस उससे पहले गैस आज की इस वीडियो के अंदर गैस किस चैनल का प्रमोशन होने वाला गैस वो जल्दी से चल के देख लेते। गैस इधर आपको साइड में मोबाइल की स्क्रीन दिख रही होगी गैस, तो यहाँ पे इस चैनल का नंबर आ चुका गैस। इस चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा गैस, तो इस चैनल को जाकर सब्सक्राइब जरूर करना। कल ना आपका नंबर भी आएगा गैस, तो ये भाई भी आपके चैनल को सब्सक्राइब करेगा गैस, ठीक है गैस। चलो गैस अब दिखा देता हूँ आपको स्टेटस। तो स्टेटस देखिए गैस, हे गैस स्टेटस आपको कैसे लगा? स्टेटस अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर देना गैस, और इसी तरह का सेम टू सेम स्टेटस बनाना गैस आपको, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देख लेना गैस। और गैस अगर आप भी अपने चैनल को प्रमोशन करवाना चाहते हो गैस, तो गैस ये चार स्टेप फॉलो कर लेना, आपका चैनल भी प्रमोशन हो जाएगा गैस, ठीक है गैस। तो गैस ये चार स्टेप कौन कौन से वो मैं जल्दी से बता देता हूँ। पहला गैस इस वीडियो को लाइक कर देना, दूसरा गैस इस वीडियो को पूरा कंप्लीट वॉच कर लेना, और तीसरा गैस इस वीडियो के अंदर एक कमेंट जरूर करना, और चौथा गैस इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ होना चाहिए, ठीक है गैस। तो गैस ये चारों स्टेप फॉलो करेगा उसका नंबर ऑटोमेटिकली आ जाएगा गैस, ठीक है गैस। तो चलो गैस अब बिना टाइम के चलते मोबाइल की स्क्रीन पर बताता हूँ इस तरह का स्टेटस आपको कैसे बनाना। तो चलो चलते मोबाइल की स्क्रीन पर। सो हेलो दोस्तों, इस वीडियो को बनाने के लिए केवल आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, अलाइड मोशन की। ये आपको गूगल प्ले स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा, अदरवाइज इसका मॉड वर्जन चाहिए गैस तो वो हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा, वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा गैस, ठीक है। तो चलो गैस आप सबसे पहले आपको लेडर मोशन एप्लीकेशन को ओपन कर लेना, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जाना, बिटमार प्रोजेक्ट और इपैक प्रोजेक्ट मिलेगा, वहाँ पे जैसे जैसे आप क्लिक करोगे वेबसाइट पे जाएगा, वेबसाइट से इन दोनों प्रोजेक्ट आप इंपोर्ट कर लेना, बिटमार प्रोजेक्ट और इपैक प्रोजेक्ट, ठीक है ना गैस। उसके बाद में सबसे पहले आपको बिटमार वाले प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद आपको यहाँ करना क्या गैस, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से बिटमार लगे हुए रहेंगे, तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना, बहुत ही आसान स्टेप से बताऊंगा इस वीडियो को आपको कैसे बनाना। तो सबसे पहले तो आपको आ जाना इस बिटमार पे 9.4 सेकंड पे आना, और यहाँ पे आने के बाद में ये वाला ऊपर वाला लेयर इस पर क्लिक करना, कलर एंड फिल पे क्लिक करना, स्टार वाला आइकन पे क्लिक कर देना गैस, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपको फोल्डर सेलेक्ट कर लेना गैस, जिस भी फोल्डर के अंदर आपकी फोटो है गैस, ठीक है। तो यहाँ से मैं जल्दी से पहले फोल्डर सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो देखिए गैस हमने यहाँ पे फोल्डर सेलेक्ट कर लिया, और देख लेते हो गैस कौन सी फोटो इसके अंदर हमारे को ऐड करनी है। तो यहाँ पे गैस मैं ये वाली फोटो ऐड करने वाला हूँ, फोटो पे क्लिक करेंगे फोटो यहाँ पे आ जाएगी, प्लस पे क्लिक कर देना, फोटो इसके अंदर आ जाएगी गैस, जो कुछ इस प्रकार से दिखेगी गैस, देख सकते हो, ठीक है। अब आपको करने का गैस इसके जस्ट नीचे एक लेयर रहेगा, ये वाला ऑफ रहेगा, इसको ऑन कर देना। ऑन करने के बाद अब आपको कुछ इस प्रकार से इसके अंदर फोटो के अंदर इफेक्ट देखने को मिलेगा गैस, ठीक है। यहाँ तक हम आपको कंप्लीट हो गया, उसके बाद आगे आना है, आगे आने के बाद और आगे आना, और आगे आना, देखिए मैं बता दूंगा आपको, इस बिटमार्क पे आ जाना है, ठीक है। 22.9 सेकंड पे आना, यहाँ पे एक ग्रुप मिलेगा गैस आपको, ठीक है, ग्रुप वन, इस पर क्लिक करना, एडिट ग्रुप पे क्लिक करना। अब यहाँ पे देखिए गाइस कितने लेयर मिल रहे होंगे आपको, मिल रहे 11 लेयर हैं, इन सभी लेयर के अंदर आपको फोटो ऐड करना अलग अलग, ठीक है, जो भी आपको अच्छी लगे, ठीक है। फोटो कैसे ऐड करने का इसमें मैं तरीका बता देता हूँ, एक फोटो के अंदर बाकी आप फोटो खुद ऐड कर लेते हो, ठीक है। नीचे नीचे वाला लेयर इस पर क्लिक करना, कलर एंड फिल पर क्लिक करना, स्टार वाला आइकन पर क्लिक कर देना। अब इसके अंदर जो भी फोटो ऐड करना, देखिए गाइस यहाँ से मैं फोल्डर सेलेक्ट कर लेता हूँ दूसरा वाला, तो देखिए गाइस यहाँ पे हमने दूसरा फोल्डर सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ से हमारे को जो भी फोटो ऐड करना है ना गाइस, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ जो भी फोटो ऐड करना है, देखिए गाइस ये वाली फोटो ऐड करना, फोटो पे क्लिक करेंगे फोटो यहाँ पे आ जाएगी, प्लस पे क्लिक कर देना, फोटो इसके अंदर आ गया गाइस, देख सकते हो, ठीक है। इसी प्रकार से गाइस इन सभी के अंदर फोटो ऐड करना होगा आपको, सभी जितने भी लेयर हैं ये, ठीक है। ऊपर ऊपर वाले लेयर के अंदर एक फोटो ऐड करके दिखा देता हूँ गाइस मैं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ये वाला लेयर है, ठीक है, ऊपर ऊपर वाला, इस पर फोटो ऐड करके दिखा देता हूँ। ऊपर वाले लेयर पे क्लिक करना, कलर एंड फिल पे क्लिक करना, स्टार वाला आइकन पे क्लिक कर देना। अब इसके अंदर भी हम फोटो ऐड कर लेते हैं गाइस कोई दूसरी, चलो ये वाली फोटो ऐड कर लेता हूँ, फोटो पे क्लिक करेंगे फोटो यहाँ पे आ जाएगी, प्लस पे क्लिक कर देना। अब देखिए गाइस इसके अंदर फोटो है, इसी प्रकार से गाइस आपको सभी जितने भी लेयर हैं, 11 लेयर है गाइस ये पूरे, ठीक है, इन सभी 11 लेयर के अंदर आपको फोटो ऐड करना है। उसके बाद यहाँ से अपन को बैक आ जाना, बैक आने के बाद अब आपको देखिए गाइस यहाँ पे फोटो ऐड करोगे ना आप उन 11 लेयर के अंदर जो ग्रुप वाला है, तो इसके अंदर आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा गैस, ठीक है। तो इनके अंदर सभी के अंदर फोटो ऐड हो जाएगी ना गैस, तो
आपको कुछ इस प्रकार से इसके अंदर देखने को मिलेगा गैस। ठीक है, जैसे यहाँ तक काम आपका कंप्यूटर जगह उसके अंदर आ गया ना। अब यहाँ पे फिर से आपको खाली जगह मिलेगी बिटमार्क के साथ। अब फोटो कैसे ऐड करना गैस बिटमार्क के हिसाब से वो मैं बता दे। तो सबसे पहले स्टार्टिंग के अंदर आना, प्लस पे क्लिक करना, मीडिया पे क्लिक करना और यहाँ से आपको फोल्डर सेलेक्ट कर लेना गैस, जिस भी फोल्डर के अंदर आपकी फोटो है। ठीक है गैस, तो यहाँ से हमने फोल्डर सेलेक्ट कर लिया। अब जो भी फोटो ऐड करना गैस यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते गैस, जो भी फोटो ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए इस यहाँ पे हम जैसे कि हमारे को ये वाली फोटो ऐड करना है, फोटो पे क्लिक करेंगे, फोटो यहाँ पे आ जाएगी, प्लस पे क्लिक कर देना, फोटो यहाँ पे आ जाएगी। फोटो को फुल स्क्रीन करना, थ्री डॉट पे क्लिक करना, फिर कंपोजिशन एरिया पे क्लिक कर देना फुल स्क्रीन। अगले बिट मार्क पे जाना, पीछे का स्टॉप कट करना, इस वाला आइकन पे क्लिक कर देना, पीछे का स्टॉप कट कर दे। अब आपको सेकंड फोटो ऐड करना तो अगले बिट मार्क पे आना, प्लस पे क्लिक करना, मीडिया पे क्लिक करना और यहाँ से आपको फिर से फोल्डर सेलेक्ट कर लेना और यहाँ से हम सेकंड फोटो ऐड कर लेते। जो भी फोटो हमारे को अच्छी लगेगा इसको फोटो ऐड कर लेते हैं। तो देखिए गाइस हम सेकंड फोटो ये सेलेक्ट कर लेते हैं, फोटो पे क्लिक करेंगे, फोटो यहाँ पे आ जाएगी, प्लस पे क्लिक कर देना फोटो यहाँ पे, फोटो को फुल स्क्रीन करना, थ्री डॉट पे क्लिक करना, फिल कंपोजिशन एरिया पे क्लिक कर देना फुल स्क्रीन हो जाएगी। अगले बिट मार्क तक रखना इस फोटो को, तो ये फोटो यहाँ तक है। अगले बिट मार्क पे चले जाओ, फोटो पे क्लिक करके इस वाला आइकन पे क्लिक कर देना फोटो यहाँ तक। इस प्रकार से आपको बिट मार्क के हिसाब से जहाँ जहाँ खाली जगह कैसे वहाँ पर आपको फोटो ऐड कर लेना एंड तक। ठीक है, अपनी फोटो भी ऐड कर सकते हो, अदरवाइज आप गर्ल्स की फोटो भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सारी फोटो यहाँ पे ऐड करके फिर बताता हूँ, नहीं तो गाइस वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। ठीक है, सो ओके गाइस, देखिए यहाँ पे हमने एंड तक फोटो ऐड कर ली बिटमार्क के हिसाब से। आपको कुछ इसी प्रकार से अपनी फोटो ऐड कर लेना, अगर गर्ल्स की फोटो ऐड करना चाहते हो वो भी ऐड कर लेना, अदरवाइज आप अपनी खुद की फोटो भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सारी फोटो ऐड कर ली गाइस एंड तक, जो आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए गाइस हमने एंड तक सारी फोटो ऐड कर ली, आपको भी कुछ इस प्रकार से बिटमार्क के हिसाब से फोटो ऐड कर ली। अब इन फोटो के अंदर इफेक्ट लगाना गए, तो देखिए गाइस सबसे फर्स्ट वाली फोटो आ रही है ये वाली। ठीक है, अब इस फोटो के अंदर गाइस हमारे को कौन सा इफेक्ट लगाना है, तो यहाँ से देखिए गाइस यहाँ से बेक आ जाना, बेक आने के बाद इफेक्ट वाले पेज को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद सबसे फर्स्ट वाली फोटो आ रही है ये वाली फोटो, फोटो पे क्लिक करना, उसके इफेक्ट पे क्लिक करना, उसके बाद यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करके कॉपी पे कर लो गाइस, कॉपी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से अपन को बेक आ जाना, बिटमार्क वाले पेज को ओपन कर लेना गाइस। ओपन करने के बाद यहाँ पे देखिए गाइस सबसे फर्स्ट वाली फोटो ये वाली फोटो, फोटो पे क्लिक करना, उसके इफेक्ट पे क्लिक करना, उसके बाद यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करके पेस्ट पे कर देना गाइस। तो इस फोटो के अंदर इफेक्ट आ जाएगा गाइस, कुछ इस प्रकार से आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक हम आपका कंप्यूटर गए, उसके बाद अगले बिटमार्क पे जाना, अगले बिटमार्क पे ये वाली फोटो गाइस। अब इस फोटो के अंदर कौन से इफेक्ट लगाना गाइस, तो यहाँ से आपको बेक आ जाना, बेक आने के बाद इफेक्ट वाले पेज को ओपन कर लेना गाइस। ओपन करने के बाद जो सेकंड नंबर वाली फोटो है ये वाली, फोटो पे क्लिक करना, उसके अंदर इफेक्ट पे क्लिक करना, उसके बाद यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करके कॉपी पे कर लो गाइस, कॉपी हो जाएगा। और उसके बाद ऊपर जाना, एक लेयर मिलेगा गाइस इसके जस्ट ऊपर। ठीक है, ये वाला लेयर, इस पर क्लिक करना और उसके बाद प्लस लेयर पे क्लिक करना, कॉपी लेयर पे क्लिक कर देना गाइस। ठीक है, कॉपी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से अपन को बेक आ जाना, बेक आने के बाद बिट मार्क वाले पेज को ओपन कर लेना गाइस। ओपन करने के बाद इस बिट मार्क पे आ जाना आपको, फर्स्ट बिट मार्क पे ये वाले बिट मार्क, यहाँ पे ये वाली फोटो, फोटो पे क्लिक करना, उसके बाद इफेक्ट पे क्लिक करना, उसके बाद यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करके पेस्ट पे कर देना गाइस। तो इस फोटो के अंदर इफेक्ट लग जाएगा गाइस। ठीक है, और इसी बिट मार्क पे रहना आपको। ठीक है, इसी बिट मार्क पे रहना और उसके बाद प्लस लेयर पे क्लिक करना, पेस्ट लेयर पे क्लिक कर देना। यहाँ पे एक लेयर भी पेस्ट हो जाएगा गाइस, जो ऊपर की तरफ आपको दिखा देता हूँ। ये कुछ इस प्रकार से आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा। उसके बाद में देखिए गाइस, इस एक फोटो के अंदर हमने ये वाला इफेक्ट लगा दिया, और कौन कौन सी फोटो के अंदर लगाना वो मैं सारा बता रहा हूँ। आगे जाना, इस बिट मार्क पे आ जाना, 2.25 सेकंड पे इस फोटो के ऊपर क्लिक करना, इफेक्ट पे क्लिक करना, उसके बाद थ्री डॉट पे क्लिक करके पेस्ट पे कर देना। उसके बाद इसी बिट मार्क पे रहना आपको, प्लस लेयर पे क्लिक करना और पेस्ट लेयर पे क्लिक कर देना गाइस। तो ये दोनों इफेक्ट लग जाएंगे। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आ रहा है। ठीक है, उसके बाद अगले बिट मार्क पे जाना, फोटो पे क्लिक करना, उसके बाद इफेक्ट पे क्लिक करना, उसके बाद यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक कर देना, पेस्ट कर देना, और उसके बाद प्लस लेयर पे क्लिक करना और पेस्ट लेयर पे क्लिक कर देना गाइस। ठीक है, उसके बाद फिर से अगले बिट मार्क पे जाना है, 5.4 सेकंड पे फिर से प्लस, फिर से आपको क्या करना, फोटो पे क्लिक करना, उसके बाद इफेक्ट पे क्लिक करना, उसके बाद थ्री डॉट पे क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना। उसके बाद क्या करना गाइस, यहाँ पे प्लस लेयर पे क्लिक करना और पेस्ट लेयर पे क्लिक कर देना गाइस। ठीक है, तो इस पर फोटो के अंदर भी कुछ इस प्रकार से इफेक्ट आ जाएगा। उसके बाद आगे जाना, इस बिट मार्क पे आ जाना आपको, 7.12 सेकंड पे आना, फोटो पे क्लिक करना, उसके बाद इफेक्ट पे क्लिक करना, उसके बाद थ्री डॉट पे क्लिक करके पेस्ट पे कर देना गाइस। तो इस फोटो के अंदर भी इफेक्ट लग जाएगा। उसके बाद आप क्या करना, आपको प्लस लेयर पे क्लिक करना, पेस्ट लेयर पे क्लिक कर देना गाइस। तो कुछ इस प्रकार से आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ तक काम आपका कंप्लीट हो गया गाइस। ठीक है, यहाँ तक आपने काम कंप्लीट कर लिया। अब जो फोटो यहाँ पे बीच बीच के अंदर रह गई होगी गाइस, तो अब इनके अंदर कोई दूसरा इफेक्ट लगाना होगा आपको। ठीक है, कौन सा इफेक्ट लगाना, तो यहाँ से आपको बेक आना, फिर से इफेक्ट वाले पेज को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद में यहाँ पे आ जाना आपको तीन नंबर वाली फोटो पे, फोटो पे क्लिक करना, उसके बाद इफेक्ट पे क्लिक करना, उसके बाद तीन डॉट पर क्लिक करके कॉपी पे कर लो गाइस, कॉपी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपको बेक आ जाना, बेक आने के बाद बिट मार्क वाले पेज को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद आपको आ जाना गाइस इस बिट मार्क पे, जो मैं आपको टाइमिंग बता देता हूँ, आपको आ जाना गाइस इस बिट मार्क पे, 1.21 सेकंड पे आना। और यहाँ पे देखिए गाइस, यहाँ पे ये वाली फोटो है, जो इन फोटो के अंदर ये वाला इफेक्ट लगाना होगा। ठीक है, ठीक है गाइस, इन फोटो के अंदर लगा दिया आपने, और उसके बाद अगले बिट मार्क पे जाना, फिर से अगली फोटो के अंदर लगा देंगे ये वाले इफेक्ट इस प्रकार से। ठीक है, उसके बाद फिर आगे जाना, आगे यहाँ पे आपने काम पहले कंप्लीट कर लिया था, अब यहाँ पे आ जाना आपको इस बिट मार्क पे,
तो इस फोटो के अंदर भी ये इफेक्ट लगा देना आपको, ठीक है 6.8 सेकेंड पे। उसके बाद अगले बिट मार्क पे जाना है, फिर से इस फोटो के अंदर भी ये सेम ये इफेक्ट लगा देना, ओके। उसके बाद आगे आना और आगे लास्ट वाली फ़ोटो है, इसके अंदर भी सेम ये इफेक्ट लगा देना, ओके गाइस। फाइनल गाइस यहाँ तक काम आपका कंप्लीट हो गया। अब आपको आगे आना, यहाँ पे आपने काम पहले ही कंप्लीट कर लिया था, अब आपको आ जाना इस बिट मार्क पे 10.26 सेकेंड पे। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से ये वाली फ़ोटो है, तो देखिए गाइस यहाँ पे आ जाना 10.26 सेकेंड पे, यहाँ पे ये वाली फ़ोटो है। अब इस फोटो के अंदर कौन से इफेक्ट लगाना गाइस, तो यहाँ से अपन को बेक आ जाना, बेक आने के बाद इफेक्ट अल्ट्रीजी को ओपन कर लेना गाइस। ओपन करने के बाद आपको चले जाना गाइस यहाँ पे 4 नंबर वाली फोटो पे, फोटो पे क्लिक करना, उसके बाद इफेक्ट पे क्लिक करना, उसके बाद पे 3 डॉट पे क्लिक करके कॉपी पे कर लो गाइस, कॉपी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपको बेक आ जाना, बेक आने के बाद बिटमार्क अल्ट्रीजी को ओपन कर लेना गाइस। ओपन करने के बाद आपको आ जाना गाइस इस बिटमार्क पे, जो मैं आपको टाइमिंग बता देता हूँ, इस बिटमार्क पे आ जाना आपको 10.26 सेकेंड पे आना, और इस बिटमार्क पे आने के बाद इस फोटो पे क्लिक करना, उसके बाद इफेक्ट पे क्लिक करना, उसके बाद 3 डॉट पे क्लिक करके पेस्ट पे कर देना गाइस, इस फोटो के अंदर इफेक्ट लग जाएगा। अब ये इफेक्ट कैसे लगाने का इसमें मैं बता देता हूँ, जैसे 1 फोटो 2 फोटो 3 फोटो इन तीनों फोटो के अंदर लगा देना, और ये जो 12.9 सेकेंड पर ये फोटो आ रही है इसको छोड़ देना, ठीक है। उसके बाद आगे आना है, ठीक है गाइस, आगे आना है, और यहाँ पर अब देखिए गाइस यहाँ से 13.4 सेकेंड से यहाँ से फिर से आपको इफेक्ट लगा देना, कहाँ तक लगा देना मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ तक 16.26 सेकेंड यहाँ तक जितनी फ़ोटो आ रही सभी के अंदर लगा देना, ठीक है। अब यहाँ तक लगा दोगे, और जो 16.26 सेकेंड के बाद में जो फ़ोटो आ रही इसको छोड़ देना, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाना इस बिट मार्क पे आ जाना 17.22 सेकेंड पे, यहाँ से आपको फिर से इफेक्ट लगा देना यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक लगा देना 19.5 सेकेंड तक, और यहाँ तक लगा दोगे, फिर यहाँ तक लगा दोगे, उसके बाद में यहाँ तक काम आपका कंप्लीट हो गया। ये इफेक्ट जो ये वाला इफेक्ट था 4 नंबर वाला, यहाँ तक लगा देना 19.5 सेकंड से जो मैंने बताया वहाँ वहाँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपको बेक आ जाना, बेक आने के बाद इफेक्ट अल्ट्रीजी ओपन कर लेना, ओपन करने के बाद आपको चले जाना गाइस 5 नंबर वाली फोटो पे, फोटो पे क्लिक करना, उसके बाद इफेक्ट पे क्लिक करना, उसके बाद 3 डॉट पर क्लिक करके कॉपी पे कर लो गाइस, कॉपी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपको बेक आ जाना, बेक आने के बाद बिट मार्क अल्ट्रीजी ओपन कर लेना गाइस। ओपन करने के बाद आपको आ जाना गाइस इस बिट मार्क पे, जो मैं आपको टाइमिंग बता देता हूँ, ठीक है गाइस। यहाँ से आपने इफेक्ट लगाया था, यहाँ पे बीच बीच के अंदर आपने फोटो छोड़ी थी उनके अंदर इफेक्ट लगाना है, तो आपको सबसे पहले इस बिट मार्क पे आ जाना है, 12.9 सेकंड पे आना है, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद ये वाली फोटो, फोटो पे क्लिक करना, उसका इफेक्ट पे क्लिक करना, उसके बाद 3 डॉट पे क्लिक करके पेस्ट पे कर देना, तो इस फोटो के अंदर इफेक्ट लग जाएगा गाइस, ठीक है। उसके बाद आगे आना, आगे आने के बाद में यहाँ पे आ जाना आपको इस बिट मार्क पे 16.26 सेकंड पे आना है। यहाँ पे देखिए गाइस, यहाँ पे देखिए गाइस ये वाली फोटो है, फोटो पे क्लिक करना, उसके इफेक्ट पे क्लिक करना, उसके अंदर 3 डॉट पे क्लिक करके पेस्ट पे कर देना, तो इस फोटो के अंदर भी इफेक्ट लग जाएगा गाइस, ठीक है। उसके बाद आगे आना, आगे आने के बाद आपको आ जाना इस बिट मार्क पे 19.5 सेकंड पे, इस फोटो के अंदर भी ये वाला इफेक्ट लगा देना, ठीक है गाइस। देखिए गाइस इस फोटो के अंदर इफेक्ट लग गया। उसके बाद आगे आना, ये वाली फोटो देखिए गाइस, आपको बता देता हूँ 21.13 सेकंड इस फोटो के अंदर भी ये वाला इफेक्ट लगा देना, जो 5 नंबर वाला है, ठीक है। तो यहाँ तक काम आपका कंप्लीट हो गया गाइस। अब देखिए गाइस यहाँ पे हमने ये फोटो छोड़ दी थी, देखिए गाइस ये इन फोटो को हमने इसके अंदर इफेक्ट नहीं लगाया, 1 2 3, अब इनके अंदर दूसरा इफेक्ट लगेगा, तो यहाँ से अपन को बेक आ जाना, इफेक्ट अल्ट्रीजी को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद आपको चले जाना गाइस 6 नंबर वाली फोटो पे, ठीक है। तो यह है हमारी 6 नंबर वाली फोटो, फोटो पे क्लिक करना, उसके बाद इफेक्ट पे क्लिक करना, उसके बाद यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके कॉपी पे कर लो गाइस, कॉपी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपको बेक आ जाना, बेक आने के बाद बिट मार्क अल्ट्रीजी को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद में जो मैं टाइमिंग बता रहा हूँ गाइस, उस टाइमिंग पे चले जाना, तो आपको आ जाना गाइस इस बिट मार्क पे 20 सेकंड पे आना, फोटो पे क्लिक करना, उसके बाद इफेक्ट पे क्लिक करना, उसके बाद 3 डॉट पे क्लिक करके पेस्ट पे कर देना, तो इस फोटो के अंदर इफेक्ट लग जाएगा। उसके बाद अगले बिट मार्क पे जाना, फिर से फोटो पे क्लिक करना, उसके बाद इफेक्ट पे क्लिक करना, उसके बाद 3 डॉट पे क्लिक करके पेस्ट पे कर देना, ठीक है। उसके बाद फिर से अगले बिट मार्क पे जाना, फिर से फोटो पे क्लिक करना, उसके बाद इफेक्ट पे क्लिक करना, उसके बाद 3 डॉट पे क्लिक करके पेस्ट पे कर देना, तो इस फोटो के अंदर भी इफेक्ट लग जाएगा, ठीक है गाइस। तो यहाँ तक काम आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद आगे आ जाना आपको यहाँ पे, ठीक है, 22.9 सेकंड पे, यहाँ पे आपने काम पहले ही कंप्लीट कर लिया था, अब आपको आ जाना इस बिट मार्क पे, ठीक है। वहाँ पे आपको 25 सेकंड पे, यहाँ पे देखिए कैसे ये वाली फोटो है, अभी इस फोटो के अंदर कौन से इफेक्ट लगाना, तो यहाँ से आपको बेक आना, इफेक्ट अल्ट्रीजी को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद जो लास्ट वाली फोटो है ना कैसी, ये वाली फोटो, फोटो पे क्लिक करना, उसके बाद इफेक्ट पे क्लिक करना, उसके बाद आप 3 डॉट पे क्लिक करके कॉपी पे कर लो गाइस, कॉपी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपको बेक आ जाना, बेक आने के बाद बिट मार्क अल्ट्रीजी को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद में जो मैं टाइमिंग बता रहा हूँ उस टाइमिंग पे चले जाना, 25 सेकंड पे आ जाना, यहाँ पे ये वाली फोटो, फोटो पे क्लिक करना, उसके बाद इफेक्ट पे क्लिक करना, उसके बाद 3 डॉट पे क्लिक करके पेस्ट पे कर देना, तो इस फोटो के अंदर इफेक्ट लग जाएगा। अब ये इफेक्ट आपको कितनी फोटो के अंदर लगाना टाइमिंग देख लो गाइस, 25 सेकंड से लेकर और लास्ट फोटो गाइस 29.5 सेकंड, यहाँ तक जितनी फोटो आ रही है सभी के अंदर ये वाला इफेक्ट आपको इस प्रकार से पेस्ट कर देना। फाइनल गाइस आपका वीडियो पूरा कंप्लीट बन जाएगा। अब आपको यहाँ पे एक छोटा सा लोगो लगा देना,
एंड तक रख लेना, उसको स्टार्टिंग के अंदर जाके लगा के एंड तक रख लेना। अब इस वीडियो को आपको सेव करना गैलरी के अंदर, तो इस वाला आइकन पर क्लिक कर देना, वीडियो सेलेक्ट करना, उसके अंदर इस वाला आइकन पर क्लिक कर, उसके बाद एक्सपोर्ट रेजुलेशन सेलेक्ट करना, यहाँ पे आपको क्लिक करना, जो भी आपके फोन में सपोर्ट कर रखा है इसको रख लेना। तो मेरे फोन में 1080 सपोर्ट कर रखा है, तो मैं 1080 रख लेता हूँ, इसको फुल कर देना। अगर क्वालिटी का मतलब क्वालिटी को इस प्रकार से फुल करके एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देना गाइस, तो अब आपकी वीडियो एक्सपोर्ट होने लगेगा ये, और ये पूरी 100% एक्सपोर्ट होने के बाद यहाँ पर सेव का बटन आ जाएगा, सेव के बटन पर क्लिक कर देना, आपकी वीडियो गैलरी के अंदर सेव हो जाएगी गाइस।